यहाँ पे हमारा फुलका भिंडी करी रेडी हो गई। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, तज जावेद के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जाती हूँ फुलका भी भिंडी की करी। ये बनाने के लिए क्या है ना, कैसे बनाना वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पे मैं 1.25 किलो भिंडी ली। भिंडी अच्छे से वॉश कर ले को, कट कर को रखूँ। देखो कटिंग भी हो गई भिंडी की। यहाँ पे एक प्याज कट कर ली, थोड़ी खोती मेरू, एक टमेटा, सब अच्छे से वॉश कर को कट कर को रखूँ। अब यहाँ पे पैन रख को 1-2 चम्मच ऑयल डाल को, ऑयल हीट होने देती हूँ। अब भिंडी ऐड करती हूँ। देखो उसमें मिक्स करती हूँ। टमाटर ऐड करती हूँ, प्याज, सब अच्छे से मिक्स करती हूँ। भिंडी, प्याज, टमाटर, ये फुलके में कुने कर रही है वास्ते टमाटा प्याज ताली फ्राई है तो खाली भिंडी से बनाती हूँ। ये फुलके में को कर रही तो इसलिए ज़रा वाटर भी ऐड करना, प्याज टमाटा भी डाल लेना। जिगेट रहती नहीं वास्ते ज़रा फ्राई के बाद मिक्स कर लेती हूँ। 1 चम्मच नमक ऐड करी। एक चम्मच मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले पूरे डाले बाद फिर अच्छे से मिक्स करती हूँ। मसाले सब लगना नहीं भिंडी को, तो भिंडी ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना, लो फूट जाती है। ज़रा देख को कर लेना, सब अच्छे से मिक्स होगा। देखो ऊपर से थोड़ा वाटर डालती हूँ। वाटर डालने के बाद फिर एक बार मिक्स करती हूँ स्पाइसेस पूरे अच्छा लगने के वास्ते भिंडी को। और ऊपर से थोड़ी कोथिमीर डालती हूँ। अच्छे से पकने लगा। देखो भिंडी नहीं जल्दी गल जाती है। एक 5 मिनट अच्छे से पका लेना। पकने के बाद मिक्स करती हूँ। पानी पूरा अच्छा जुड़ेगा। देखो भिंडी भी गल गई। अच्छे से पकने लगी। तब तक वहाँ मैं आटा भिगाती थी फुलके को। आटा अच्छे से भिग गया। 1/2 आवर भिगा लिए तो अच्छा रहता, स्मूथ आती हैं फुलके। फुलका
पैन हीट हो गया, दालें देखो ये अच्छे से फूलने लगे हैं। आटा अच्छा भी कहने से पकती है ना, हाँ प्लेट में काट लेती हूँ। फिर दूसरा फुलका डाली, इधर उधर पलटाती हूँ। ये भी फूकने लगा, देखो अच्छा फूलता है। दूसरी तरफ टर्न करती हूँ, अच्छे से पक गए दो तरफों। फिर ये भी काटती हूँ, अब करी काटती हूँ कटोरी में। दो फुलके करी काट कर रखूँगा हो। ये रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़, बाय।